सारण जिला के मकेर थाना क्षेत्र के गंडक नदी रेवा घाट दाह संस्कार स्थल को कांटेदार तार से घेराबंदी करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा सीओ से किया गया था। शिकायत पर सीओ निर्मला कुमारी थानाध्यक्ष रवि रंजन मंगलवार को स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान घेराबंदी करने वाले व्यक्ति अखिलेश कुमार को बुलाकर मामला का निष्पादन किया गया। इस दौरान सीओ द्वारा घेराबंदी करने वाले व्यक्ति से भूमि संबंधी जानकारी हासिल किया तो बताया गया कि भूमि का कागजात उपलब्ध है, जबकि सीओ ने भूमि को टोपोलेन की भूमि होने की बातें कही। सीओ तथा थानाध्यक्ष ने भूमि को घेराबंदी नहीं करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि रेवा घाट पर आज़ादी के समय से ही दाह संस्कार होता आ रहा है। उक्त स्थल को अखिलेश कुमार द्वारा कटीले तार से घेराबंदी कर दिया गया था, जिससे प्रखंड के लोगों को दाह संस्कार करने में परेशानी उत्पन्न हो गई थी, जिसकी शिकायत जनप्रतिनिधि, नेता तथा ग्रामीणों द्वारा सीओ से किया था, जिस पर पहल करते हुए सीओ ने घेराबंदी नहीं करने का निर्देश दिया। इस मौके पर मुखिया प्रतिनिधि संजीत राय, भाजपा नेता निरंजन शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि शिवपूजन साह, पैक्स अध्यक्ष मनीष साह, डॉक्टर सुचिंद्र साह, कामेश्वर सिंह, मोहन सहनी उपस्थित थे। डी एलिवेन टीवी के लिए मकेर से पप्पू मिश्रा की रिपोर्ट। थोड़ा सा गाइडिंग कर दिया, जब वहाँ किया ना पैसा लेते हो उसके सफाई भी करो। अच्छा, तो समाज के कोई भी फॉरम में जो भारी में आवे तो यहाँ दिक्कत हो रहा है, दिक्कत नहीं उसको देना पड़ेगा। हाँ, पैसा लेता है तो सफाई करना पच्चीस साल से लगभग देखा पर हमने के जरूरत है। यहाँ यदि रोक गए डिस्टर्ब यदि तो हमने ऐसा केहू ने केहू रहा तब आवाज उठैल फिर अगला बेर फिर ऐसा ही केहू घेरी करी फिर केहू ने केहू उस जगह पर अबे करके उठाई आवाज नहीं है। तो यही है, तो दुकान है, मतलब शमशान घेरने का मकसद नहीं।